तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बगही मट पाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्जी अभी काट रहे हैं बाबा लोग, आइए और आगे भी लेकर चलते हैं आपको। यहाँ पे भोजनालय वाला है, दिखाते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे कितने प्यारे से बनाया गया है। बस वहीं पर से ज़्यादा नहीं। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं आप जितने भी साधु संत लोग रहते हैं उन लोगों का यहीं पे भोजन बनाया जाता है। क्या नाम हुआ आपका? सौदागर दास। अच्छा, आप लोग कितने लोग मिलकर भोजन बनाते हैं? दो मूर्ति हैं अभी। दो मूर्ति। ओके, टाइमिंग अलग अलग है आप लोग का कि मतलब? हर दिन दो मूर्ति है वही बनाते हैं। कितने कितने मतलब? अरे यहाँ कोई ठिकाना नहीं रहता है कि कब कितना बार बनता है से, मतलब जितने जितना मूर्ति आ गया उस सबको भोजन कराना है। जितना आ जाए, 100 आ जाए, 50 आ जाए, 200 आ जाए, 100, 125 मूर्ति तो 150 अपना है ऊपर प्रत्येक दिन के निजी, मतलब कितने 150 लगभग है ना? हाँ। और उसके बाद कितने लोग आ जाते हैं? वो कोई ठिकान नहीं रहता है, कभी 200 आ जाता है, कभी 100 आ जाए, 200 आ जाए, तो ये भोजन चल रहा है, उनको कराना है। नहीं, आप दो मूर्ति मिलकर सारे खाना वाला काम को संभालते हैं, बहुत अच्छी बात है। जैसा कि आप देखिए यहाँ पे चाय कितने टाइम बनता है? चाय वैसे भगत जगत आ गया तो 200 बार बनता है, 200 बार बनता है, ना तो सुबह बनता है, शाम बनता है, सुबह में और शाम में यहाँ पे पकवान बनता है। जनरल का है सुबह और शाम, जनरल का है सुबह और शाम। चाय कितने टाइम बनता है? अरे तो जितना बार भगत आया, जगत आया अपना, तो बनते रहता है, तब कितना बार बतलावे, 2 बार, 10 बार, 25 बार, आना तो सुबह शाम तो अपना जीर्ण। उनका क्या नाम है जो और एक और आदमी बनाते हैं? रामवीर लड़का है वो बनाते हैं। नहीं, चलिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अच्छे। चलिए इन लोगों से भी बात करते हैं। क्या नाम हुआ बाबा आपका? रामनंदन पासवान। आप कहाँ से हैं? रनौली। रनौली से है। अच्छा लग रहा है ना आपको यहाँ पर? अच्छा ना लगे तो कहना चाहिए हम यहाँ। आपको अच्छा लगता है? अच्छा लग रहा है। लग रहा है ना? हाँ। आपको अंकल जी? हाँ, यहाँ तो बहुत दिनों से हो रहा है, सदियों से हो रहा है, बहुत यहाँ रहने के लिए तो इतना लोग तरस रहा है जी। जो भी लोग आते हैं उन लोग को बता रहे हैं कि खाना भी दिया था, रहने का जगह भी है क्या जी? आप सारे लोग खुश हैं ना? खुश है एकदम। बताइए पब्लिक को, बताइए जी। जी एकदम है ना जी? हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सब कुछ के फैसिलिटी आपको मिल रहा है क्या? जी 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 एकदम पूरे फैसिलिटी है। चलिए बहुत खुश हैं ये लोग। भोजन भात, चलिए आइए मैं आगे आपको लेकर आते हैं। और यहाँ पे आप लोग किधर रहते हैं? चलिए आइए आपसे बात करेंगे। और ये कौन सा भवन हुआ बाबा? ये धर्मशाला का है ये वाला? हाँ, जो नए लोग आते हैं उन लोगों को कहाँ रखा जाता है? इसमें रहते हैं। ओके, चलिए दिखा देते हैं क्या आप लोग? हम रहते हो ये वाला। ओ, वहाँ पे आपको दिया गया जगह, ये धर्मशाला है नहीं? चलिए आइए, तो आइए मैं अब आपको धर्मशाला में लेकर आए हैं। यहाँ भी दिखाते हैं बाबा का व्यवस्था, देख सकते हैं कितने टंच है, बहुत अच्छे से बाबा का व्यवस्था यहाँ पे दिया गया है। ये देख सकते हैं सीताराम नाम जप से यहाँ पे बाबा का ये धर्मशाला है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे लग रहा है यहाँ पे। आप लोग भी यहाँ पे आ सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे जब आप आएंगे तो। ऐसे है आइए और आगे आपको लेकर आते हैं। ये धर्मशाला हुआ, जो लोग नए लोग आते हैं उन लोगों को यहीं पे रहने का स्थल है, जो नए लोग आते हैं कहीं दूर दराज से तीर्थ यात्रा पे उन लोगों के लिए। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। देखिए एक बाबा मजाक कर रहे हैं एक बाबा से, क्या बात है। चलिए कोई बात नहीं है, चलिए
हाँ ऐसे होता है अपने में। अच्छा यहाँ पे का माहौल अच्छा है ना, सब लोग आपस में हंस खुस के रहते हैं? एकदम अच्छा है, एकदम जय जय रहता है, मन लगता है ना? हाँ खूब लगता है। चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए बहुत ही यहाँ पे आने से मुझे बहुत ही खुशी महसूस हो रहा है और सारे लोग हंसते हुए दिख रहे हैं, बहुत अच्छे जगह है। आप लोग को भी तीर्थ पे भी आना चाहते हैं, वैसे ही आप घूमना चाहते हैं तो इस जगह पर आना आपको बहुत ही अच्छा रहेगा। और ये है बिजली विभाग, ये सर हैंडल करते हैं सारे में, लाइट वगैरह अगर किसी तरीके के प्रॉब्लम आते हैं, लाइट बिजली नहीं आता है तो आप जनरेटर भी चलाते हैं? जनरेटर चलाना पड़ता है। क्या नाम हुआ आपका? राघवेंद्र कुमार। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं दो दो जनरेटर दिया गया है, एक किस लिए दिया है, एक किस लिए दिया? ये जो है ना, जैसे कि हमारा लाइट चली गई जी, इन्वर्टर भी बैठ गया जी, तो उस स्थिति में इसको चालू करते हैं छोटा वाले को, और जब ज़्यादा फंक्शन उंक्शन है तो बड़ा वाला के चालू करते हैं। कोनो पार्टी फंक्शन, कोई बड़े त्यौहार वगैरह में ये चलाया जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं इन्वर्टर भी है, बैटरी भी है, ज़्यादातर ये पे तो इसी पे चलाते होंगे सब? हाँ हाँ, क्योंकि अभी बड़ा चलाने का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। ये इन्वर्टर ही काफ़ी है क्या जी? Okay, यहीं पर आप सब दिन से रहते हैं, खुश है ना यहाँ पे? हाँ जी, हमें रहते। अच्छा व्यवस्था आपको मिलता है? है? व्यवस्था सब कुछ अच्छा मिलता है ना? हाँ, जी धन्यवाद जी, प्रणाम। तो गाइज ये है बगही मठ, जो पूरे भारत का नंबर वन मठ माना जाता है, मंदिर माना जाता है, बहुत ही प्रचलित है। ये देखिए सीएम के द्वारा यहाँ पे और श्री सुशील मोदी के पिंटू के द्वारा बनाया गया। गाइज ये बहुत ही फेमस और बहुत ही अच्छा और धार्मिक जगह है, यहाँ पे आप लोगों को जरूर से जरूर आना चाहिए। यहाँ पे 2400 घंटा कीर्तन होता रहता है। तो मैं हूँ विनोद शुक्ला और आप देख रहे हैं द मार्केट न्यूज। गाइज द मार्केट न्यूज आपको इसी तरीके के बड़े बड़े मंदिर में मठ में ले जाकर आपको दर्शन कराते रहेंगे। इसी तरीके के वीडियो और देखने के लिए द मार्केट न्यूज चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं एक अन्य वीडियो में, जहां भी रहिए स्वस्थ रहिए, सुंदर रहिए और अपने लक्ष्य पर ध्यान जरूर दीजिए। अगर इसी तरीके के वीडियो और भी आपको चाहिए तो प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर करें और लाइक करके जरूर जाएं। अगर आप सच का साथ देंगे तो सच और भी मजबूत हो जाएंगे। जय हिंद।